अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला। बेगम बाजार चांदतारा मस्जिद के पास से कब्रिस्तान में एक शख्स की वालदा का इंतकाल होने पर उनको तदफीन करने के लिए यहां पर लाया गया था, लेकिन इस कब्रिस्तान के जिम्मेदारों की जानिब से रोका गया और दफनाने से मना किया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये कहीं दूर गाँव में नहीं हो रहा है, ये हमारे शहर हैदराबाद में हो रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। दीन से दूरी इस कदर हमको लाकर खड़ा कर दी इस मोड़ पर कि आज हम इस तरह के फैसले कर रहे हैं। उलेमाए दीन, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो दीन को अच्छी तरह से फैलाए, इस्लाम को अच्छी तरह से फैलाए, और इस तरह के जो कब्रस्तानों पर और जो मस्जिदों पर कब्जे करके बैठे हैं लोग, उनकी काउंसलिंग करने की अब जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उलेमाए दीन भी अब सियासी बातें करना शुरू कर दी है, तो फिर कहां पर उनकी जबान में तासीर रहेगी। इस तरह से कोई भी कब्रस्तान में दफनाने से मना करना, ये बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल, यहाँ के जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। तकीर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ये रास्ता नहीं था, अब निकाले, निकाल के साल दो साल हो रहा है रास्ता निकाल। ये मेरे परदादा की खबर है, ये मेरे परदादा की खबर है। यहाँ पर मेरे परदादा की, मेरे परदादा की भाभी जी, भांजा की खबर है। ये मेरे परदादा की वालदा की खबर, ये पूरे जो तख्तियाँ थे ना, निकाल के फेंक दिए ना तख्तियाँ जो थे। ये हमारे बाबा की खबर, ये दादा की खबर, ये दादी की खबर, ये मेरे वालिद की खबर, हमारे बड़े बाबा की वालिद की खबर, ये चिच्चा, ये मेरे बड़े भाई की खबर, मेरे बड़े भाई की खबर, ये चिच्चा की खबर, ये मेरी कुकुर की खबर, और ये मेरे भतीजे की खबर, भतीजे की खबर, और मेरी ये भांजी की खबर, ये झाड़, और दो मेरे भाई हैं छोटे चिचेरे भाइयों की खबर यहाँ है, हमारे सगे भाई हैं वो तो, और ये दो चिचेरे भाइयों की खबर आई है, दो, ये मेरा पूरा हड़वाड़ है। ये वो साहब देखो, डोर नाजायज डोर निकाल लिए, जबरदस्ती कर रही है, ये डोर जबरदस्ती निकाली और दफनाने नहीं दे रहे, दफनाने नहीं दे रहे हम लोगों को, जोर जुलम कर रहे घर पे, मैया तो तकलीफ में दे रहे मालूम साहब। तो अब हमारा बोलने का ये हमको जल्द से जल्द, ये पूरी प्रॉपर्टी इंसाफ होना हमको, हमारे घर पे मैया तो प्रॉपर्टी, हमारे घर पे मैया थे, हम मैया को रख ले गए, ऐसा पीएस के तमाशे कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, डुप्लीकेट पेपर बना ले रहे। ये हलाल का है दरवाजा आपका नहीं है, ये दो साल पहले गए थे, हमारा पूरा बचपना गुजर गया है कब्रिस्तान में खेलते खेलते, दरवाजा नहीं था, अब बनाए सो ये दरवाजा, ये पूरी मस्जिद की प्रॉपर्टी बेचे तो है, ये पूरी मस्जिद की प्रॉपर्टी बेचे तो है, आप अपना दादा की, परदादा की सबकी बता दो, ये पूरी प्रॉपर्टी बेचे तो है। ये जैनू भाई बोल के थे, इन्होंने निगरानी करते, इन लोग बेमानी कर रहे बोल के हकाल देखे, ये मकान वाले अभी है, उन्होंने में रहते, मस्जिद का खिदमत गुजार थे, ये उनकी ओन प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे है, इनकी ओन प्रॉपर्टी, इनका कुछ भी नहीं है। इन्होंने जब तक थे मस्जिद में, ये मुतवल्ली को आने भी नहीं देते थे, ये मुतवल्ली को आने भी नहीं देते थे, चार मकान जैनू भाई का, जैनू भाई का अभी भी मकान है, उन्होंने जिंदा अभी नहीं, इंतकाल होगा, इंतकाल होगा, उनके बच्चे है, इन्होंने ये ऐसा बेमानी कर रहे वो कर रहे बोल के, इन्होंने मुतवल्ली को भी हकाल देते, आने नहीं देते थे, इन्होंने मेंटेनेंस करते थे मस्जिद का पूरा, और ये मस्जिद तामीर करे, ये हलवाड़ है उनका, ये सलमान खान लाहौरी की मस्जिद है, ये ये सब मस्जिद की प्रॉपर्टी है। यहाँ तख्ती थी सलमान खान लाहौरी बोल के, सलमान खान लाहौरी की तख्ती थी यहाँ लगी हुई, निकाल दिए, सलमान खान लाहौरी लावलाद थे, औलाद नहीं थी, वक्त करे थे मस्जिद हमारे घर, देखूँ मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है, मैं मस्जिद चांदतारा मस्जिद पर, मेरे हड़वार है, मैं वहाँ पर दफनाने के लिए कब्र के लिए जगह गया, तो वहाँ के मुतवली मुझे ऑब्जेक्शन करके और गुंडागर्दी की बातें कर रहे, और मुझे मेरी वालदा को दफनाएं, उनका नाम, एक उनके बेटे का नाम अफजल है, और उनका मन्ना मन्ना खान, मोहम्मद मन्ना खान है,
और ये लोग मिलकर दादागिरी कर रहे हैं, दफनाने नहीं दे रहे, जबकि मेरा पूरा हड़वाड़ा वहाँ पर है, मेरे परदादा वहाँ पर है, मेरे दादा वहाँ पर है, मेरे परदादा की वालदा वहाँ पर है, और मेरे वालिद वहाँ पर है, और मेरे बड़े भाई वहाँ पर है, और मेरे दो चचाएँ वहाँ पर दफन है, और सभी वहाँ पर मेरा हड़वाड़ पूरा दफन है, और मेरी वालदा को अब इस वक्त दफनाने नहीं दे रहे, और बोल रहे कि दादागिरी कर रहे हैं, और जो मुँह को आया गाली गुफ्तार कर रहे हैं, और हमारी मेहरबानी बोल रहे वो लोग, वो ऐसी कैसी मेहरबानी जो मेरा हड़वाड़ वहाँ पर रहने के बाद मेरे ऊपर जो कर रहे मेहरबानी के, उन वजह ये कि बोल रहे कि दफनाना नहीं, हम मुतवली है, हम वो है, ये है कर रहे, और जगह हमारी है बोल रहे, और जगह कहाँ पर गई उनकी, और घर में उस कब्रस्तान में से मस्जिद में से रास्ता बना लिए वो लोग आने जाने का, रूम बना लिए अंदर, और मन और मेरे बड़े भाई बात करने के तो उनका गला पकड़ लिए, और पुलिस स्टेशन पे लेकर आकर उन्होंने गैरजरूरी अल्फाज कर रहे हैं, और घर पर मेरी मैयत है, और मेरी वालदा की खबर खोदने नहीं दे रहे लोग, और वकबट इनके ऊपर एक्शन से जल्द लीजिए, और मेहरबानी होगी, और मस्जिद की जो प्रॉपर्टी थी ये लोग बेच के खा गए, और मस्जिद की लाला पहलवान बोलकर है उनको मस्जिद बना लिए वहाँ पर कब्रस्तान में रूम बना लिए, कब और पैसों के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए लाला पहलवान को, हाँ इन्होंने कहाँ के मुतवली है फिर, और जो मनमानी कर रहे कि हम मुतवली बोल रहे हैं, इसलिए कि हम लोग खामोश करके भाई आपस में महलेदारी है, और वो है बोलकर हम लोग खामोश बैठे, तो इसका नतीजा दे रहे लोग, और कंप्लेंट तो दिए थे शहनाजगंज पीएस है ऑलरेडी, इनके ऊपर दो तीन केसों के भी ये कब्रस्तान में नजर अपना नहीं दिया, तो वो भी है कि वो लोग बोले चलो जान दो भाई बोल के हट गए वो लोग, और जबकि मेरा पूरा खानदान है, मैं क्यों हटूँ, मेरा पूरा खानदान वहाँ पर है, नहीं दो तीन जनों को रोके थे जबकि उनकी वालदा एक ही थे, तो उन्होंने ठीक है भाई बोल के उन्होंने नहीं करे नहीं दफना लिया दूसरी जगह था, जबकि मेरा पूरा खानदान है, मेरा परदादा वहाँ, मेरे परदादा की वालिद वहाँ, वालदा वहाँ पर, सब वहाँ पर, मेरे दादा वहाँ पर, सभी वहाँ पर है, और इसलिए मुझे दफनाने नहीं दे रहे, और दादागिरी की बात कर रहे हो लोग, वहाँ पर ही मस्जिद के बाजू की मकान है उनका, चांतरा मस्जिद वकबट की प्रॉपर्टी है पूरी मस्जिद, चांतरा मस्जिद पर है, और मस्जिद की प्रॉपर्टी बेच दी है वकबट के किराएदार, वकबट के किराए भी नहीं दे रहे लोग, और कह रहे कि वकबट की प्रॉपर्टी बेच के लाला पहलवान को पेपर भी दे दिए लोग, और अंदर रूम मैं वकबट चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मुतवली साहब को सस्पेंड कीजिए, कर दी जाए, और उनके ऊपर एक्शन लीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए, और मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत वादे कर आई हुई है कि ये जुल्म को मिटाने के लिए, और ये हम चाहते हैं कि वकबट के नए मुतवली चेयरमैन साहब से कि ये उम्मीद है कि हम ये इन्हों एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे वो लोग।